हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, खासकर हुए जो सभी युवा हैं उनके लिए तो मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। तो आज विवेकानंद की जयंती है और स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के जो वास्तविक नाम था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, और 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे आज ही सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को, क्योंकि 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद की जो मृत्यु हुई थी वो 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ कोलकाता में हुई थी। इनके जो पिता थे वो विश्वनाथ दत्त जी थे, माता जो थी वो भुवनेश्वरी देवी थी, गुरु जो थे इनके रामकृष्ण परमहंस थे, और इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने अनेक मतलब कार्य किए। इनका जो प्रिय कथन था कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इनके जो साहित्यिक कार्य है, जो पुस्तक है वो था राजयोग। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। एक बार की बात है, इनकी ख्याति देश विदेश तक फैली हुई थी। एक बार ये किसी विदेश में किसी समारोह में भाषण दे रहे थे, तो इनके भाषण से प्रभावित होकर एक विदेशी महिला इनके पास आई और बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके जैसा ही मैं तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तो विवेकानंद बोले कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं किसी से विवाह नहीं कर सकता। आप यदि पुत्र प्राप्त करना चाहती है तो आप मुझे ही पुत्र मान लीजिए, आपको मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र भी मिल जाएगा। इससे प्रभावित होकर वो महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और उनके मतलब अनुयायी बन गई। तो कुछ ऐसी ही ख्याति थी स्वामी विवेकानंद की। और इन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से सनातन धर्म का मतलब अनुयायी बनकर ये गए थे वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था स्वामी विवेकानंद की जयंती जो आज ही है, और 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।